नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है टॉप न्यूज। हमारी टीम की मेहनत अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर पास में मौजूद बेल के बटन को दबाएं। धन्यवाद। बस्तर जिले के महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान, जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय भानु प्रताप देव स्तनकुश महाविद्यालय भवन को चुनाव कार्य से मुक्त कराने की मांग को लेकर छात्रों ने खोला मोर्चा। छात्रों ने क्लास बहिष्कृत की। NSUI प्रदेश सचिव चमन ने बताया कि हमारे देश में 65% से ज्यादा आबादी युवाओं की है, जो देश के नेतृत्व का निर्णय करते हैं, परंतु विधानसभा के चुनाव आते आते पिछले चुनाव के कटु अनुभव छात्रों को परेशान कर रहे हैं। वर्ष 2008, उसके बाद 2013 को विधानसभा के चुनाव शुरू हुए, उसके बाद लोकसभा के चुनाव, नगरपालिका के चुनाव, उप चुनाव। चुनाव के पूरी प्रक्रिया के दौरान युवाओं के गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र जिले के सबसे बड़े एवं महाविद्यालय और जिले के सबसे बड़ा स्कूल की पढ़ाई बाधित रही। छात्रों को सारी गतिविधियां ठप ही नजर आईं। छात्रों ने अपनी शिक्षा और अपने दैनिक गतिविधियों की आहुति देकर लोकतंत्र की बड़ी कीमत चुकाई थी। युवावस्था में वह समय होता है जब छात्र अपने अपना कल्पनाओं को गढ़ता है, जब ये सब कुछ करने में सक्षम होता है। ये सब समय होता है जब शिक्षा अध्ययन करता है, खुद और अपने देश के भविष्य के लिए अपनों को तैयार करता है। ऐसे समय में यदि उसकी शिक्षा में रुकावट आती है तो खुद से साथ देश के भविष्य का भी निर्माण बाधित होता है। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय को कुछ दिन चलता है, इस प्रकार से स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब ये सोचकर इसे स्वीकार करते रहे तब तक बौद्धिक रूप से कुपोषित युवाओं का निर्माण करके देश का नुकसान ही करते रहेंगे। युवाओं की गुणवत्ता युक्त शिक्षा से ही देश का उज्ज्वल भविष्य बनेगा। यदि उनकी शिक्षा बाधित हुई तो देश का भविष्य खराब होगा। ये कहना था NSUI के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने अपने विद्यालय में चुनावी प्रक्रियाओं को न होने देने की बात कही। भानु प्रताप देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर को आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है। 6 महीने तक हमको इस कॉलेज में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, चुनाव के संबंध में किसी को घुसने तक नहीं दिया जाएगा। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, लगभग 2,000-2,500 स्टूडेंट हम यहाँ नियमित रूप से पढ़ते हैं। बताओ, इसका विकल्प और कहीं दूसरे जगह हो सकता है? तो हमको यहीं पढ़ना है। दूसरी समस्या कि दिसंबर और जनवरी माह में सेमेस्टर परीक्षा आयोजित होने वाली है। सेमेस्टर परीक्षा आयोजित होने वाली है और सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम अगर सही आए तो इसके लिए अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई जब तक नहीं होगी तब तक हम परीक्षा में कुछ लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तीसरी समस्या, BSc, MSc, MA, PA में प्रैक्टिकल का कक्षाएं चलती है नियमित रूप से, साथ ही साथ विधि विभाग LLB में मूट कोर्ट का आयोजन होता है नियमित रूप से। तो अगर अधिग्रहण हो जाएगा इस कॉलेज का तो प्रैक्टिकल हो पाएगी? तो नहीं हो पाएगी, तो अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। चौथी समस्या है कि पिछली लोकसभा और विधानसभा चुनाव में नरहरदे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को हमें पढ़ने के लिए दिया गया था मात्र 3 कक्षा। बताओ, 2,500 स्टूडेंट 3 कक्षा में पढ़ पाएंगे? तो हमको यही पढ़ना है, ठीक है? 2,500 छात्रों का कोई विकल्प नहीं है दूसरी जगह, तो सिर्फ और सिर्फ हमको यही पढ़ना है। पिछले 2013 और 14 का चुनाव, 2013 और 14 में जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुआ था तब परीक्षा परिणाम बहुत ज्यादा बहुत बुरा प्रभाव आया था। परीक्षा परिणाम कई लोग फेल हो गए थे, यहाँ तक कि मैथ से 50 स्टूडेंट 0 नंबर आया था अधिग्रहण होने के चक्कर में। 6 महीने तक पढ़ाई से नहीं हुआ तो काफी कीमतें बढ़ती, फर्क पड़ता है। अगर इस भवन का अधिग्रहण किया जाएगा तो फर्क पड़ता है। और ये जो भाई ने एक बात बोली प्रैक्टिकल की, जो सबसे अभी देखो रिजल्ट लास्ट 3-4-5 सालों का आप देख लीजिए बच्चों के विद्यालय का क्या है। प्रश्न पत्र में छूटी होती है, ठीक है? क्या मामला था पूरा? देखो आज का मामला ये था कि छात्र जो खुद स्वयं से कॉलेज बहिष्कृत करके, क्लास बहिष्कृत करके बाहर आ गए थे कैंपस में, क्योंकि आज निर्वाचन काम के लिए, निर्वाचन के लिए इस कॉलेज का अधिग्रहण करने के लिए कलेक्टर मैडम स्वयं इस कॉलेज में आ जाई थी निरीक्षण करने। और छात्रों की मांग ये है कि कॉलेज का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। 2008 के चुनाव में, 2013 चुनाव, चाहे वो उपचुनाव हो या नगर, कोई सा भी चुनाव, इस कॉलेज को ही अधिग्रहण किया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं छात्रों का के हित के खिलाफ है और छात्रों के हित में काम नहीं है। छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाता है, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अगर वैकल्पिक व्यवस्था इन लोग करते हैं तो 2 रूम का क्लास इन लोग वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे तो क्या दो रूम में 2,000 बच्चे पढ़ सकते हैं? क्या नहीं पढ़ सकते? इनको अगर वैकल्पिक व्यवस्था ही करना है, उपचुनाव के लिए करें, वैकल्पिक व्यवस्था अपने निर्वाचन के लिए करें। मॉडल कॉलेज है जहाँ अभी
कोई बच्चे मतलब मॉडल कॉलेज का बिल्डिंग बन चुका है जो खाली है, अभी हमारा गर्ल्स कॉलेज है जो भी खाली है, जहाँ कम बच्चे पढ़ते हैं उन लोग को वैकल्पिक व्यवस्था करके और दूसरी जगह एडजस्ट किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। बट इस कॉलेज को अधिग्रहण करने के खिलाफ छात्र आक्रोश, अगर ये कॉलेज का अधिग्रहण होगा तो कहीं ना कहीं छात्र रोड में आकर प्रदर्शन करेंगे।